उत्तराखंड में इन दिनों कई जिलों में गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। बता दें कि यहां नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा क्षेत्र के 3 गांव में इन दिनों ग्रामीण दहशत के साए में जीने को मजबूर हो रहे हैं। यहां गांव के हालात कर्फ्यू जैसे बन गए। बताया जा रहा है कि पिनरो, अलचोना और मलवा ताल इलाके में आदमखोर वन्य जीव 14 दिन में 3 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। वहीं आतंक के चलते 11 दिन से स्कूल बंद है। अब लोग घरों से बाहर निकलने को कतरा रहे हैं, लोगों में गुस्सा है। तो वहीं क्षेत्र में ऐसा लग रहा है जैसे धारा 144 लागू हो गई। कहा जा रहा है कि विकास खंड भीमताल में आदमखोर वन्य जीव का आतंक दहशत का पर्याय बन चुका है। 14 दिन के भीतर 3 महिलाओं को इस गुलदार ने अपना निवाला बना डाला। आदमखोर गुलदार ने अपना पहला शिकार 7 दिसंबर को बनाया। 7 दिसंबर को मलवा ताल गांव की रहने वाली इंदिरा देवी और उसके बाद 9 दिसंबर को पुष्पा देवी पिनरो गांव की और उसके बाद 10 दिसंबर से इलाके के स्कूलों को बंद कर दिया गया। फिर तीसरी घटना हुई 19 दिसंबर को, जब निकिता शर्मा अलचोना गांव की रहने वाली जिसको गुलदार ने अपना निवाला बना डाला। बता दें कि सभी गांव भीमताल विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। तब से लेकर आज तक कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन वन विभाग गुलदार को पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रहा है। फिलहाल यहां ग्रामीण दहशत में हैं और गांव में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं। लोगों को अब रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में लगातार ग्रामीण वन विभाग से गुहार लगा रहा है कि वो जल्द से जल्द आतंक का पर्याय बन चुके इस गुलदार को पकड़ ले। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।